आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। आरएसएस ने स्थापना दिवस के 100वें साल में किया प्रवेश। पीएम मोदी ने मोहन भागवत की तारीफ कर खास संदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की 75वीं परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान समेत 11 राज्यों को फायदा मिलेगा। कर्नाटक में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार। भारत में रहकर बनवा लिए फर्जी आधार कार्ड। भारत की छवि को धूमिल करने का चल रहा प्रयास। मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा हिंदुओं को संगठित होने का संदेश दिया। भूकंप के झटकों से तहला असम और जम्मू कश्मीर, घरों से बाहर लोग आए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भड़के एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, कहा यह महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की स्थिति को दर्शाता है। यह घटना ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को उजागर करती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी। ट्रेन हादसे तो होते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का असंवेदनशील बयान, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एक और डॉक्टर की हालात बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाकिर नाइक के बिगड़े बोल, महिला के पीएम या सीएम होने पर कैदी खौफनाक बात, कहा सिर पर कील ठोक मार देना चाहते हैं। जिसने किया बाबा सिद्दीकी के कत्ल का दावा, उस शुभम लौकर की पूरी कुंडली खंगाल रही केंद्र एजेंसियां। फिर नजर को लेकर सवाल करने लगा कनाडा, तो भारत ने लगाई लता दो टू, कहा प्रूफ करो। एनआईए की चार्जशीट, दाऊद की राह पर लॉरेंस बिश्नोई, सासू शूटर, 6 देशों तक जुर्म का साम्राज्य हासिल। किम जोंग उन की बहन ने साउथ कोरिया को खुलेआम धमकी दी, कहा भयानक होगा अंजाम। ये पैटर्न बन गया है बांग्लादेश में पंडाल और मंदिरों में हमले को लेकर, भारत सख्त बयान जारी किया। अलीगढ़ में मनाया गया विजयदशमी का पर्व, जले कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के पुतले। अलीगढ़ में धूमधाम से मनाई गई विजयदशमी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना की। मथुरा में फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मथुरा में पूरे देश में विजयदशमी की रही धूम। कैबिनेट मंत्री ने उतारी भगवान राम की आरती।
इटावा में ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, दो विदेशी युवतियों समेत तीन की मौत, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा में दशहरा के मौके पर सफायर इंटरनेशनल क्लब की ओर से किया गया डांडिया नाइट मेले का आयोजन धमाकेदार कार्यक्रम रहा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, हंगर इंडेक्स पर सरकार को घेरा, रुपए की गिरावट को लेकर सवाल दागे। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ को लेकर सीएम योगी का पोस्ट, आरएसएस 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। लखनऊ में फखरुल हसन चांद ने एक्सपो पोस्ट किया, लिखा नेताजी हमेशा पहलवानों का हौसला बढ़ाते थे। कोरोना में छप्पिया मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ी घटना, मूर्ति विसर्जन को गए तीन लोग नदी में डूबे। हरिद्वार में दो कैदियों के फरार होने का मामला, एसएसपी हरिद्वार कैंप कार्यालय में रात को मीटिंग ले रहे हैं। जालौन में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबे तीन युवक, युवकों के डूबने से मौके पर मचा हड़कंप। मैनपुरी में भोले बाबा के बाद एक और बाबा की करतूत, मैनपुरी में आस्था के नाम पर ढोंगी बाबा का पाखंड सामने आया। मथुरा में पुलिस ने व्यापारी को बेरहमी से पीटा, काली मेले का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। रुड़की में फिर हुई ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से हड़कंप मचा, 5 किलो के खाली सिलेंडर को जीआरपीएफ ने कब्जे में लिया। कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लापता हुआ युवक आशीष अग्रहरी, खतरे पानी में जाने की वजह से डूबा। बाराबंकी में मां दुर्गा मूर्ति के विसर्जन करने पहुंचे भक्त, कई घाटों पर हुआ मूर्तियों का विसर्जन। बुलंदशहर में 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ, दुर्दांत अपराधी राजेश पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया। एटा में दरोगा को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत की जानकारी, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एटा में धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व, कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, दूर दूर से फरियादी लेकर पहुंचे थे फरियाद, अधिकारी को निर्देश दिए। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में हुई मौत, इस मामले में हंगामा जारी, लगातार प्रशासन कार्रवाई की जुटी। श्रावस्ती में NH 730 पर भीषण हादसा हुआ, बाइक सवार तीन लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। कबड्डी प्लेयर से आर्मी मैन बने, भाई से मिली प्रेरणा, आंख में लगे 7 टांके फिर भी खेलना नहीं छोड़ा। लखनऊ में 24 घंटे में डेंगू की 40 नए मामले आए, 12 दिन में 600 लोग डेंगू की चपेट में आए।
लखनऊ में जागरण से लौट रही युवती से रेप, युवक ने घर में खींचकर घटना को अंजाम दिया। लखनऊ में समझौता के लिए बुलाकर युवक की पिटाई की, ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। लखनऊ में दोस्तों ने की थी युवक की हत्या, जिसमें शादी होने वाली थी, उससे दोस्ती को लेकर नाराज था, घर बुलाकर जान से मारा। लखनऊ में मारपीट का मामला, रास्ते में रोक कर की गई मारपीट, परिवार पर भी हमले का आरोप। विजयदशमी पर संघ का 99वां स्थापना दिवस शस्त्र पूजन के साथ मनाया गया, उत्सव क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। देहरादून में इमरजेंसी में बवाल, दो समुदाय के लोग भिड़े, डॉक्टर के सामने जमकर मारपीट हुई। देहरादून में बीसीए के छात्र ने साथी के साथ सराफा की दुकान को लूटा, महिला पर खुकरी से वार किया। त्योड़ी में हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, मां बेटे समेत तीन की मौत की जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी, जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक गलत दिशा में जाने लगी बस, पुलिस ने पकड़ा तो चालक शराब के नशे में मिला, बाल बाल जिंदगी बची। आईटीडीए नोडल एजेंसी तो है, पर सुनने वाला कोई विभाग नहीं, ऑडिट के पत्र भेजकर भी जवाब नहीं मिला। भारत चीन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश को समर्पित किया गया नवनिर्मित 65 मीटर लंबा डबल लेन स्टील गर्डर का पुल। बुधवानी मार्केट में 4 मंजिला दुकान में भीषण आग लगी, सारा सामान जलकर खाक हुआ। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, खान पान की चीजों में थूकने के मामले में बोले मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए। देहरादून मेडिकल कॉलेज में दूर होगी फैकल्टी की कमी, 15 फैकल्टी और 2 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक के लिए नहीं बनी प्रवर समिति, सरकार ने दोबारा सदन में पेश किया था। रोशनाबाद जेल से 2 कैदी फरार बताए जा रहे, रामलीला और निर्माण कार्य का फायदा उठाकर भागे, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। भैयादूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, मंदिर परिसर में बैठक हुई और इस बात की घोषणा हो गई। शीतकाल के लिए 20 नवंबर को बंद होंगे मदम महेश्वर के कपाट, तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद होंगे। सड़क पर घायल व्यक्ति को देख कार्यक्रम के लिए जा रही स्पीकर रुकी, अपनी गाड़ी में भिजवाया अस्पताल। अमेरिकी छात्रा के लिए भगवान बने, कतर एयरवेज के सीईओ मुसीबत में मदद की, लोग तारीफ कर रहे हैं।
मैं तुम्हें मार डालूंगी। एयरपोर्ट पर पुलिसकर्मियों से भिड़ी महिला, सामने वीडियो आया। भारत इजराइल की दोस्ती के चैंपियन रतन टाटा के निधन पर नेतन्याहू ने दुख व्यक्त किया। भारत में भुखमरी में आई कमी, लेकिन अब भी गंभीर श्रेणी में 127 देशों की सूची में 105वां स्थान। पाकिस्तान सरकार के इमरान खान को चेतावनी का, एफसीओ सम्मेलन में पीसीआई ने किया विरोध तो करेंगे बल प्रयोग। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है इजराइल, ईरान ने अरब देशों से कहा हम पलटवार करेंगे। पाकिस्तान में दो आदिवासी गुटों में लड़ाई, 11 की मौत, गाड़ियां रोक कर हमले किए गए। भारत बोला बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश रची गई, हिंदुओं की हिफाजत की जाए। एआर रहमान ने कमला हैरिस के लिए रिकॉर्ड किया गाना, भारत वंशियों का समर्थन हासिल करेंगे। जंग के बीच नेतन्याहू ने रतन टाटा को किया याद, पीएम मोदी को खास मैसेज लिखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिला देश के महारत्न का दर्जा, फैसला लेने में कंपनी को मिलेगी और अधिक आजादी। कारखानों की हड़ताल के बीच आई बुरी खबर, बोइंग ने लिया दुनिया भर में 17,000 लोगों की छंटनी का फैसला। त्योहारों के एक हफ्ते में 55,000 करोड़ की ऑनलाइन बिक्री, दशहरे से दिवाली के बीच बढ़ेगी। प्रोफिक्सोल के आईपीओ खुलासे की जांच के आदेश, सूचीबद्धता रोक से भी बोला अर्जित राशि विशेष खाते में रखें। तीन दिन की गिरावट के बाद तेजी में सोना, जहां 1,150 रुपए उछला, चांदी 93,000 प्रति किलोग्राम पर बंद। एचएएल को महारत्न का दर्जा मिला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये मुकाम हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बनी। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 84.9 पर बंद हुआ। जिरोदा के को फाउंडर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर चिंता जताई, कहा ज्यादा रेगुलेशन से इस पर नेगेटिव प्रभाव की उम्मीद। इंटर्नशिप स्कीम में आए 90,000 से ज्यादा अवसर, युवाओं के लिए खुल रहे बड़ी कंपनियों के दरवाजे। पीएम आवास योजना की सब्सिडी वापस भी ले सकती है सरकार, इसमें देनी होगी पड़ी हुई ईएमआई। बाबर आजम का पाकिस्तान टीम से बाहर जाना तय, सिलेक्टर्स ने कर ली है तैयारी। मयंक यादव ने हैदराबाद में अपने नाम किया गजब रिकॉर्ड, भुवनेश्वर और पांड्या की लिस्ट में पहुंचे।
महमूदुल्ला के आखिरी टी20 मैच में सूर्य कुमार ने किया दिल जीतने वाला काम, हर तरफ बज रहा भारत का डंका। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा होंगे नए जाम साहब, विराट कोहली को पीछे छोड़ बने सबसे अमीर क्रिकेटर। कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी बेंगलुरु के लिए रवाना हुए, 16 अक्टूबर को न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट होगा। आइका और सुतीर्था ने रचा इतिहास, एशियाई चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक पक्का हुआ। शीशवरी रश्मिका ITF मैसूर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, कांचन निचोड़े को हटाया है। सैमसंग ने रशाद को लगातार 5 छक्के लगाए, चौका लगाकर पूरी की सेंचुरी। अजय जडेजा जामनगर राजघराने के उत्तराधिकारी बने, 8 साल का करियर रहा क्रिकेटर में। मोहम्मद सिराज DSP बने, T20 वर्ल्ड कप जीतने पर CM ने नौकरी देने का ऐलान किया था। लोकेश कनगराज ने जाहिर की विजय के साथ लियो 2 बनाने की इच्छा, फिल्म के नाम से भी पर्दा उठाया। बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख सलमान की दुश्मनी खत्म करवाई थी, सुनील दत्त को मेंटर बनाते हैं। सास नीतू कपूर संग अपने रिश्ते पर आलिया भट्ट बोली, पिछले कुछ महीनों में हमारी दोस्ती गहरी हुई है। लोखंडवाला के एक चौक का नाम श्रीदेवी को समर्पित, पति बोनी और बेटी की मौजूदगी में अनावरण किया गया। दिव्या खोसला बोली, फर्जी हूं, जिगरा के कलेक्शन खाली, थिएटर का फोटो शेयर कर लिखा, आलिया ने खुद टिकट खरीदे। अमिताभ बच्चन रजनीकांत के वर्जन ने दिखाया जोश, कमाई में आया जबरदस्त उछाल। सदमे में बॉलीवुड सलमान खान ने कैंसिल की बिग बॉस की शूटिंग, जिशान सिद्दीकी से भी मिले। मुंबई में हिट थी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी, बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनेताओं तक की लंबी भीड़ लग जाती थी। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो ने 2 दिन में ही निकाल लिया आधा बजट। बाबा सिद्दीकी की हत्या से गहरे सदमे में शिल्पा शेट्टी, फूट फूट कर रोई एक्ट्रेस। प्राइम शो तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।